ये क्यों बनाया, वो क्यों बनाया, कह के यही चलता रहेगा। इसीलिए भगवान का अनुग्रह जब होता है ना, तब हमको इस भगवान के दर्शन की जब लालसा होती है भक्ति के शास्त्र में, अपने को पहचानने की इच्छा होती है वेदांत के शास्त्र में, अपने मैं को मिटाने की इच्छा होती है जब हम सेवा में लग जाते हैं, देखो अपने को डिसिप्लिन करने की इच्छा होती है तब हम योग में लग जाते हैं। ये सब को इकट्ठा करके चलेंगे तो इत्थम तत्व विवेकम विधाय विधिवन मन समाधाय, और फिर योग्य प्रकार से अपने मन को समाधान किया। देखो क्षमा दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान, समाधान माने क्षमा दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा, ये पांच का जब जीवन में हम आह्वान करेंगे तो उसके परिणाम स्वरूप मन की जो स्थिति है उसको समाधान कहते हैं। तो क्षमा माने अपने मन पर नियंत्रण, दम माने इंद्रियों पर नियंत्रण, उसके बाद उपरति माने अपने मन को इंद्रियों को विषयों से सहज भाव से वापस लौटाना, फिर चौथी बात है ए तिदीक्षा, तिदीक्षा है सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम साथ दीक्षा निकलते, जीवन में आने वाले दुख को लेकर के रोने धोने का अभ्यास बंद कर दे। और श्रद्धा शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भी जया वस्तु उपलभ्यते, शास्त्रों में और गुरु महाराज ने जो बताया है वो किस प्रकार से सत्य है, ऐसा पॉजिटिव अप्रोच उसको कहते हैं श्रद्धा। हमारा अप्रोच ये कैसे संभव है, ये नहीं हो सकता, तो रोते रहो, जब शास्त्रों में बताया था वो सत्य ही है, उसको उतारो हो जाता है, नहीं कैसे होता। ये पांच चीजें जब प्रैक्टिस करेंगे तब छठवा उसका जो रिजल्ट है वो है मन समाधाय, फिर हमारा मन समाधान रहेगा। देखो यही विधि राखे राम, यही विधि।